नमस्कार, मैं वैभव सोनिया, एचटीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। राजस्थान के सीकर जिले के दांता रामगढ़ कस्बे में शुक्रवार को गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली 1577 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित गार्गी पुरस्कार कार्यक्रम के तहत दांता रामगढ़ तहसील क्षेत्र में सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 10वीं-12वीं क्लास में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली कुल 1577 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि चेक देकर सम्मानित किया गया। गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन दांता रामगढ़ की नोबल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। समारोह के दौरान दांता रामगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले कृषि वैज्ञानिक सुंडा राम वर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर सम्मानित किया गया। रिंकू जाकर रिंकू जाएंगे, पुत्री श्री सावरमल जी जाएंगे, दौड़ कर आएंगे। वेदिका बालावत पुत्री श्री हरि सिंह जी का गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दातारामगढ़ में आयोजित किया जा रहे हैं। इसमें जो 75% से ज्यादा अंक लाने वाली मेधावी छात्राएं हैं, जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 में 75% अंक प्राप्त किए हैं, उन छात्राओं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कक्षा 10 में 75% लाने पर बालिकाओं को 6,000 रुपये का चेक, 2 किस्तों में 3,000 का चेक दिया जाएगा, जो कि उनके खातों में स्थानांतरित होगा। कक्षा 12 में जिन बच्चों ने 75% अंक प्राप्त किए हैं, उन बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये का चेक एवं बालिका फाउंडेशन की ओर से उन सभी बालिकाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए जा रहे हैं। नातारामगढ़ ब्लॉक का कार्यक्रम नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नातारामगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।